वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है वो डिस्प्ले आ चुका है और यहाँ पर देखिए अब शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि HP लिखा हुआ आ गया, यानी कि स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे नच भी रहा है और यहाँ पर शुरू भी हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लैपटॉप को तो ओपन किया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही मैंने ओपन किया तो ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं शो कर रहा है। जैसे इसके डिस्प्ले पर कुछ शो करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक लाइट जो अंदर डिस्प्ले का रहता है वही सिर्फ जलता हुआ दिख रहा है, यानी कि ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है सारे कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है वो बहुत दिन से रीस्टार्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है कि रीसेट आप नहीं करते हैं या फिर किसी वजह से आपका जो लैपटॉप है वो स्लो करना काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि एंटीवायरस नहीं आपने डाला है या कुछ हीटिंग के प्रॉब्लम के कारण। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके कारण जो आपका डिस्प्ले है वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराना की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे लैपटॉप वालों से बात किया, जैसे कि मेरा जो लैपटॉप है वो HP का है, ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम होता है वो HP में होता है। ठीक है, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि देखिए आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और उनसे मैंने व्हाट्सअप चैट भी किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते रहिए लास्ट तक। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो स्टेप को फॉलो करना है और आपका जो लैपटॉप है वो सही से वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात को ध्यान देना है कि आपके लैपटॉप से जितने भी कनेक्ट किए हैं, जैसे कि आपका जो चार्जर है अगर कनेक्ट किए हैं उसको हटा देना है, और इसके अंदर USB या कुछ भी आपने कनेक्ट कर रखा है तो सारे को रिमूव कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लैपटॉप के अंदर कुछ भी नहीं कनेक्ट है, इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेप हो गया, कुछ भी आपको कनेक्ट नहीं रखना है। अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको विंडो को प्रेस करना है। देखिए सबसे पहले आपको विंडो को प्रेस करना है। ठीक है, अब विंडो का जैसे ही प्रेस कर लेते हैं उसके बाद आपको क्यू को प्रेस करना है। ठीक है, एक ही साथ में। ठीक है, अब क्यू को जैसे ही प्रेस कर लेते हैं, प्रेस करने के बाद आपको पावर ऑन ऑफ बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मतलब कि आपको तीनों को एक साथ और 30 सेकेंड तक दबाए रखना है। देख सकते हैं कि मैंने दबा रखा है, दो को दबा दिया है और तीसरे को भी दबा देता हूं। ठीक है, और 30 सेकेंड तक आपको दबाए रखना है। ठीक है, यहां पर आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 29 30। ठीक है, अब इसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर से आपको पावर ऑन ऑफ बटन को दबा देना है और यहाँ पर आपका जो लैपटॉप है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है वो डिस्प्ले आ चुका है और यहाँ पर देखिए अब शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि HP लिखा हुआ आ गया, यानी कि स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे नच भी रहा है और यहाँ पर शुरू भी हो चुका है। ठीक है, और अभी आगे और भी प्रोसेस करना है जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और अभी आगे बहुत सारा प्रोसेस है, अभी तो ये 3 स्टेप मैंने बताए हैं, 2 स्टेप बताए हैं सिर्फ चालू करने के लिए। अभी आगे देखिए क्या क्या आपको करना होगा। देख सकते हैं कि पहले एरो नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब एरो भी यहाँ पर शो करने लगा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ओपन होने लगा, प्लीज वेट बोल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूं। अब जैसे ही यहां पर पासवर्ड डालते हैं, डालने के बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है, आपके जितने भी यहां पर रहेंगे सारे शो कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ओके कर देता हूं। ठीक है, आपको भी ओके कर देना है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके के लिए पूछा जा रहा है तो मैं ओके कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से आपका जो लैपटॉप है वो सही से वर्क करना शुरू कर देगा। यहां पर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, यहां पर सिर्फ आपका जो डिस्प्ले था वो किसी हीटिंग के कारण या फिर जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है उसी के कारण आपका डिस्प्ले नहीं शो कर रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहता हूँ।